संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में संत महाराज का 65वां जन्म दिवस मनाया गया। संत निरंकारी सत्संग भवन के सेवादार ने रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाकर जहां आम जनता व यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, वहीं स्टेशन परिसर में पौधारोपण करके क्लीन इटावा ग्रीन इटावा का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान में महिला पुरुष व युवा छात्राएं व बच्चे भी शामिल रहे। सभी ने मिलकर पूरे रेलवे परिसर को चमकदार कर दिया। सत्संग भवन के प्रमुख सुरेश इलमनी व उनकी पुत्री सिमरन इलमानी के नेतृत्व में जिले के कोने कोने से आए सेवादार अपनी सेवा देने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही पहुंचने लगे। साफ सफाई के लिए झाड़ू फिनाइल व अन्य सामान अपने साथ लेकर आए थे। पहले मौजूद थे तब उन्होंने कहा था कि जन्मदिन तो हर कोई मनाता है, स्वच्छता देश भर के लिए तो पार्टी करेंगे या हम कुछ भी करेंगे तो 2 मिनट का होता है। ये स्वच्छता हमेशा कायम रहती है क्योंकि प्रदूषण अंदर का भी हानिकारक होता है और बाहर का भी हानिकारक होता है। अगर मन का प्रदूषण भी समाप्त हो जाएगा और बाहर का भी, तो मानवता को मानवता का मार्ग मिल जाएगा और जीने का रास्ता मिल जाएगा। हर मिशन हर धर्म एक ही बात बताता है कि हम सब मिलजुल कर रहे, मानवता से एकता से रहे। और ये ससुर बाबा हरदेव सिंह महाराज जी और मौजूदा हालत में माता सुदीक्षा जी का कहना भी यही है कि अगर हम मानवता को अपनाते हैं और सबको गले लगाते हैं तो प्यार नम्रता का तो साथ हमेशा बना ही रहेगा और यही हमारा मकसद है। संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कितना अधिक ये अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, क्या मानते हैं? बहुत अच्छी पहल है और यात्रियों में सब में जागरूकता आएगी, सफाई के प्रति जागरूक रहेंगे और बीच बीच में